42वां बाब। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए निहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका, तो उसने इलीफस तिमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदे अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोखनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक न करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदे अय्यूब ने कही। सो अलीफस तिमानी और बिलदद सूखी और जूफर निमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को, जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, बदल दिया, और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजिल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे 1 सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की 1 बाली। यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी आयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं। उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम करन हपूक रखा। और उस सारी सरजमीन में ऐसी औरतें कहीं न थीं जो अय्यूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हो, और उनके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मीरास दी। और इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा और अपने बेटे और पोते 4वीं पुश्त तक देखे, और अय्यूब ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई।